अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम बिलाल मियाँ, 9 बज चुके हैं। हुआ तो रोज ही बजते, इसमें नया क्या है? धमाका करना है कि नहीं? धमाके तो रोज ही होते, इसमें नया क्या है? अरे यार, आज 25 तारीख है। अच्छा अच्छा, जन्मदिन मुबारक हो भाई जान। अरे नामकुल, जन्मदिन नहीं, धमाका करना है, भूल गया। अरे निकले कि नहीं? हाँ, अरे उठ गया हूँ, बस निकल ही रहा था। कमबख्त, तुम अभी उठ रहे हो? और यहाँ मैंने ट्वीट भी कर दिया है, अपने ट्विटर पेज पे जाके देखो। स्टॉर्म इज कमिंग मिस्टर वेन, आज 11 बजे एक्सपीरियंस द टेरर #। कैसा लगा? एकदम ओरिजिनल। हराम खोर, जल्दी उठो और निकलो। अरे आप फोन काटोगे तो निकलूंगा ना। अरे निकल गए भाईजान, वो बिग बॉस देख रहा था। वो क्या है ना, वो आखिरी का 7 मिनट रह गया था तो सोचा बस वही देख लेते हैं। अरे तुम गधे हो क्या यार, ट्वीट हो चुका है, सारी दुनिया हमारे धमाके का इंतजार कर रही है और तुम हो कि बुरा ना माने भाईजान। अरे ले देखे तो कुल 13 तो फॉलोअर्स हैं आपके। अरे धमाके के बाद 1300 हो जाएंगे। 96 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल याद करो और निकलो वहां से, ज्यादा टाइम नहीं है। बहुत जुबान चल। कहाँ तक पहुंचा मेरा शेर, बस एक धमाका और सारी वर्जिन हसीनाएं जान छिड़केंगे। भाईजान बस सब सेट हो गया। वो क्या है ना, बस वो नहाने के लिए पानी गर्म कर रहा था, वो रॉड भी डाल दिया है। बिलाल देख, तू मेरी तीसरी बेगम का 7वां भाई है, इसीलिए सिफारिश से काम दिलाया। अगर तू ठीक से काम नहीं करेगा तो मुझे मुजाहिदीन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी कैसे मिलेगी? भाईजान, अरे आप हुक्म तो कीजिए भाईजान, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। ये हुई ना बात मेरे मुजाहिद, अब चलो ठंडे पानी से हाथ मुंह लो और फटाफट निकलो वहां से। अरे नहीं भाईजान, पानी तो गर्म करनी पड़ेगी ना। अरे मेरे ग्रेनेड्स जम चुके हैं यहाँ, कितनी ठंड है बाहर यहाँ। अरे तू समझता क्यों नहीं है, 2 बजे उन काफिर गोरों से इंतकाम लेना है। धमाके की आवाज चप्पे चप्पे तक गूंजनी चाहिए। पर ये कौन से गोरे लोग हैं? अरे डिज्नी वाले हैं ना। पर इनको क्यों मारना है भाईजान? अरे इनकी टॉय स्टोरी तो मुझे अच्छी लगी थी। अरे हमारे मुजाहिदीन भाइयों ने फ्रेंच कार्टूनिस्ट को मारा, अब हम इन एनिमेटर्स को मारेंगे। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को वेल्दी बनाना है। ये बिजनेस स्ट्रेटजी है बिलाल, तू नहीं समझेगा। अल हबीबी। अल हबीबी भाईजान, अल हबीबी। निकले कि नहीं भाईजान? वो एक गड़बड़ हो गई है भाईजान। वो क्या है ना, रॉड डालने के चक्कर में ना बॉम्ब को चार्ज से हटा दिया था मैंने। ऊपर वाले से डर भोसड़ी के, एक ही चार्जिंग पॉइंट है घर में। वो है ना, पर वो बहुत दूर है और वो इतनी ठंड हो रखी थी ना कि ठंड में उठने का मन नहीं हुआ, आलस हो रखा था। चल जल्दी से बॉम्ब चार्ज करो और निकल। ठीक है भाईजान। कहाँ तक पहुंचे भाईजान? वो जब तक पानी गर्म हो रहा था तो मैं सोचा कि शेव कर लेता हूँ, फ्रेंच कट कर लूँ क्या, क्या बोलते हैं? अब्बा का निकाह नहीं है तुम्हारे, बॉम्ब फोड़ना है बॉम्ब। पर भाईजान सीसीटीवी में तो डेब्यू होने जा रहा है ना, और कोई छोटा मोटा काम तो करने जा नहीं रहा, बॉम्ब फोड़ने जा रहा हूँ बॉम्ब, तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। और वो रुखसात देखेगी तो क्या बोलेगी? अच्छा ठीक है, चले निकलो। ठीक है भैया।
निकले कि नहीं? भाईजान वो सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, तो वो मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। अब ऑर्डर करके आधा घंटा से ऊपर हो गया, तो सोच रहा हूँ कि फ्री का पिज्जा खा के ही निकलता हूँ। अब कितना खाएगा बे? और ये जो तू इतना खाता है, जाता किधर है? भाईजान अब तो बस आप धमाके की आवाज सुनना। अपने पिछवाड़े में कर लिया क्या धमाका? आवाज नहीं आई? हाँ बस पैकिंग कर रहा हूँ। स्पीकर पे रख फोन, गाड़ियों में बहुत देर हो गई तेरे को। साला कभी पिज्जा खाना है, कभी गर्म पानी करना है। हरामी साला, एकदम बेगैरत इंसान, फिर पिज्जा ले रहा, दिखाई नहीं दे रहा क्या मुझे? साला पागल बना रखा है। मत भूल, मैंने तुझे काम दिलाया था, छोड़ दिया तो सड़क पे घूमेगा। पूरे कौम का नाम बदनाम कर रखा है तू। अगली बार आना तू रावलपिंडी, सवैया खाने, तेरे को बताऊंगा मैं। जा जल्दी जा, 32 नंबर बस जाती है, 32 नंबर। हाँ हाँ भाईजान, बस बस 32 नंबर बस ले ही रहा हूं मैं। ओह शिट, अब क्या हुआ? वो कोल्ड ड्रिंक भूल गया और चाबी भी। आज अगर नहीं फटा ना बॉम्ब, तो मैं तेरे को फाड़ूंगा। मैंने अपने ही घर को बॉम्ब से उड़ा दिया, पर इससे इनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सिर्फ इस बात से है कि मैंने अभी तक इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या आपने किया है? प्लीज सब्सक्राइब कर देना।